हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मजे में होंगे। अगर आप अमेजोन के एग्जिस्टिंग सेलर है या फिर हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है अमेजोन में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि मंथली पेमेंट सेटल रिपोर्ट कैसे और कहाँ से डाउनलोड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, पेमेंट का टैब दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना है। जैसे आप लेके जाओगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेकेंड टैब पे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो तो ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप आपसे पूछा जा रहा है, आपको कौन सा रिपोर्ट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए या सीओडी चाहिए, मुझे दोनों का मर्ज चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट के टाइप पूछ रहा है, समरी चाहिए या ट्रांजेक्शन डिटेल चाहिए या फिर डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन चाहिए। तो आप 1 बाय 1 रिक्वेस्ट जनरेट करके आप डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट, ठीक है। तो अगर आप समरी सिलेक्ट करोगे तो उसका फॉर्मेट पीडीएफ में रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है, एक पीडीएफ बना के आपको दे देगा अगर समरी चूज करते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन चूज करोगे तो उसका एक्सेल शीट जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक है, कि लास्ट मंथ में कितनी पेमेंट आई है और कितनी काटी है, सबका डिटेल्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे दोनों ऑप्शन है आपके पास, कस्टम डेट रेंज भी है और मंथ भी है। मंथ में कब सिलेक्ट करूंगा, जब ये लास्ट मंथ का अगर मुझे निकालना है तो मैं मंथ सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च, फेब्रुवरी या फिर जनवरी, वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे ईयर भी दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर डेट रेंज, अगर आपको करंट मंथ का निकालना है तो भी आप कस्टमर डेट रेंज सिलेक्ट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, मार्च मंथ सिलेक्ट किया है, रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर ही आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके ऑर्डर्स पे, आपके ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा ये रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों। और इसे ओपन करके आप देख लीजिएगा, इसमें सारे डिटेल्स होगी ऑर्डर वाइज कितना पैसा आया है और कितना डिडक्ट हुआ है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।